जवान जो है आजादी कैसे हमें प्राप्त हुई है और उसका कॉन्सेप्ट उसके विचारधारा क्या रही है उसके बारे में जन जन तक हम पहुंचाने की काम करें। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष में बहरवा प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया तिरंगा पथ यात्रा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का तिरंगा पद यात्रा बहरवा मस्जिद चौक झिकटिया होते हुए पटना चौक से स्टेशन चौक तक निकला गया। मीडिया को संबोधन में मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि देश के आजादी को 75 साल होने पर पूरा देश उस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आजादी की 75 वर्ष और आप जानते हैं कि 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा 75 वर्ष का आजादी का गौरव यात्रा का कार्यक्रम चला रहा है और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के कस्बा से लेकर शहर मेट्रोपॉलिटन शहर सभी जगह हो रहा है और उसी का एक कड़ी है जो आज बरौड़ा बाजार में कार्यक्रम हो रहा है। आजादी का इतिहास जो है जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं या हमसे बड़े हैं हमसे छोटे हैं हम उनको उस बात को शरण कराना चाहते हैं जो नए पीढ़ी के नौजवान जो है आजादी कैसे हमें प्राप्त हुई है और उसका कंसेप्ट उसके विचारधारा क्या रही है उसके बारे में जन जन तक हम पहुंचाने की काम करें। आजादी का इतिहास पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पहले तो उन शहादत लोगों को हम नमन करना चाहेंगे जो आजादी की लड़ाई में अपनी जानों को कुर्बान देकर इस देश की आजादी के लिए रास्ता साफ किए उसका नमन करते हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को भी नमन करते हैं, महात्मा गांधी जी को भी नमन करते हैं जो उन्होंने देश की आजादी के लिए एक कॉन्सेप्ट एक विचारधारा बनाकर उन्होंने लगाता और देश को आजादी किया और उसके बाद हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी और ये देश जो है एक लंबा जोड़ा देश है। यहाँ पर हजारों तरह की बोली बोलते हैं, हजारी विचार के लोग रहते हैं, रहन सहन खान पान आस्था अलग अलग है, फिर भी हम हिंदुस्तानी है। यही विचारधारा हम देश को और यहाँ के नौजवानों को समझाने के लिए गौरव यात्रा का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आप और हम जानते हैं कि हमारे विचारधारा क्या थी। दुनिया लोग कहते थे कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा कॉन्सेप्ट। हम अलग अलग तरह के लोग होते हैं, खान पान बोली चाली रहने के बावजूद हम भारतीय हैं, इस बात को हम सारे लोग को बताना चाहते हैं और हमारा मंत्रमुग्ध था अनेकता में एकता की भाईचारा हमारा मंत्र था और जज्बात था कि देश को आजाद करके रहेंगे और आजादी हमें प्राप्त हुई और इस सीख को हम जो है जन जन तक विशेष करके नौजवान को देने का हम लोग अपील करते हैं।